अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? तो आज आप देख रहे हैं मुजम्मिल गेमिंग और हम खेले पबजी मोबाइल। और भाई इसने मुझे रूम में मतलब ऐड करा और मैंने बोला यार चलो मुझे ऐसे ही ऐड करो, और भाई स्टार्ट कर दिया इसने अपनी तरफ से। मतलब अब मैं समझा कि यार मैं सो, अब यहाँ पर हो गया 2v1। तो अब मैंने तो आती डायरेक्ट M24 हाथ में ली, क्योंकि M24 ठीक है मैंने हाथ में ली, क्योंकि भाई आपको पता है मैं AR बहुत कम खेलता रूम में, लेकिन मैं अपनी AR मैंने बहुत अच्छी करी है। और अभी iPad में शिफ्ट हो गया हूँ तो थोड़ा सा मोबाइल का गेम प्ले ख़राब हो रहा है। ख़राब मतलब नहीं कि हम iPad से फिर मोबाइल में खेलेंगे तो हमारा गेम प्ले वो नहीं रहेगा, तो मैं दोनों में हाथ रख रहा हूँ अपना सेट, लेकिन मैं iPad में अभी ज़्यादा खेलता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैच स्टार्ट हो गया हमारा, लग गया ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या सीन होता है भाई। ये भाई साहब भी M24 में अब मतलब भाई मैं बहुत हिल रहा हूँ। अब मैंने तो बस दिल था कि मारूं, लेकिन पहले ये मार के चले गया तो 0v1 चल रहा है और 2v1 रूम है। हाँ तो मैं iPad में भी भाई मैं खेलता हूँ और मोबाइल में भी, और मोबाइल में भी कम यार क्यों करा बैंड की वजह से कि अपना रियल अकाउंट नहीं डाला भाई। इसको मैंने पहला, अब ये है इसको भी पहलना है जल्दी से, फिर आगे बताते क्या सीन है। ये भी गया 2v1। हाँ तो iPad पे मैं अभी खेल रहा हूँ जो नया कॉन्टेस्ट क्रिक्स पे चला रहा हूँ VPN, तो वो भी मैंने बाय करा है। अब साइबर डेविल वाली आईडी पे मैं VPN नहीं चला तो इसलिए मोबाइल पे कम खराब है। तो भाई आपको एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, अभी मैं iPad पे एंजॉय के लिए खेल रहा हूँ, मतलब मस्ती के लिए, जब तक पबजी बैन है फिर मैं मोबाइल पर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा, सोचूंगा मज़ा आएगा। तो यार तो भाई आप ना अगर आप मोबाइल से iPad पे जा रहे हो तो आप खेल सकते हो iPad में इजी, और iPad से मोबाइल पे भी अगर आपने मोबाइल पे बहुत ज़्यादा खेला तो आपके लिए यार इजी है, एक दिन आपका हाथ जम जाता है। तो यहाँ पर भाई 5 स्टिक और ये देखो यार ये छोड़ी हरकतें कर रहा है पेन। अबे बॉट आना भाई, मेरी आवाज़ देखा आपने, मेरी आवाज़ निकली है तो यार ये सीन बड़ा ख़राब हुआ है, आवाज़ देखो मेरी निकली है। अबे चल भाई यहाँ पर एक तो आप 2v1 खेल रहे हो ठीक है, ऊपर से आके आपको दूसरा बंदा आपके खेलते खेलते पेन ला रहा है या ऐसे कर रहा है, तो भाई मेरी भी हटी, मैंने इसलिए वहाँ पर बॉट बोला। और यहाँ पर फिर वही मैंने रिकॉर्डिंग चेक करने गया तो आईफोन का वही वॉइस ग्लिच, तो यहाँ पर अभी मैंने ना उसको पिस्टल से मारा, मेरी हटी हुई थी भाई, मैं उसको नहीं मार रहा था क्योंकि वो स्नाइपर से खेल रहा है तो मैं उसके स्नाइपर पर, लेकिन जब मेरी हटी ना तो उसको मैं पिस्टल से ही देख रहा था, क्योंकि फिर मैंने इसको, फिर अब मैंने स्नाइपर वापस ले आया। देखो अब मैंने चलो स्नाइपर से खेलते हैं, फिर अब आगे सीन चेक करें वो मतलब उसका बंदा क्या कर रहा है। आपने मेरा किल फीड देखा था ना, ये लोग एक ही किल पे थे भाई, एक किल पे थे, लेकिन वो जानबूझ के उसने गन से ज़्यादा किल करे, वरना भाई मैं अच्छा खासा इनको आपको पता है कि अच्छे किल से हरा रहा था ठीक है इनको। ये देखो देखा M249 ले आया, अब मतलब समझो मैं ये मैच इससे मैं हम लोग मैं आराम से इनसे ना 5 किल से आगे होऊंगा, 5 किल से 6 किल से। अभी ये जब 5 और 7 हो गया, वरना ये लोग 2 किल से ऊपर भी नहीं आ पाते, लेकिन ये मजबूरी थी कि वो मैं M24 से लड़ रहा हूँ और वो गनों से आ रहे हैं मेरे सामने, वो गनों से आ रहा है और वो भी M249 यार, गन भी तो देखो देखा, मतलब यार इसने लेवल कर लिया जो इस वक्त पे मेरी आप यकीन नहीं मानोगे, एक होता है ना बहुत गंदी हट जाना, तो वो सीन मेरे साथ हो गया था। फिर मेरी हटी, मैंने बोला कि यार अब तो मतलब पेलना है, तो ये M24 वाला ये और ये बैरल ले, अब 8v8 हो गया भाई, क्योंकि आराम से यार ये लोग मुझसे एक किल से इतना गंदा M24 मैंने को पेल रहा था, इनकी हट गई थी क्योंकि एक किल एक बार मार पे मैंने इनको 5 के कॉम्बो के साथ चला रहा था। तो बस अब मैंने स्टार्ट कर दिया अपने यहाँ पर अब गन का जलवा दिखाना, और ग्रोजा से इनको हम कैसे मतलब टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप 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 करके मारेंगे। तो भाई 10-8 हो गया, तो मतलब भाई तो ना सर घूम जाना, सर घूम गया था, क्योंकि उस वक्त एक तो वीडियो रिकॉर्ड थी ठीक है, और मैच पे हटी किस बात पे कि वो बॉट की तरह पैन मार रहा था, तो मतलब ये सीन से यार आप भी हो ना तो किसी की भी हट जाएगी। तो मैंने बोला यार कि पीछे रहता हूँ, क्योंकि यार वो 2 बंदे हैं, और भाई ये बंदा लिटरली जब ग्राउंड ग्राउंड का था, और ये गेम प्ले थोड़ा सा पुराना है, मतलब 2 हफ्ते पहले का है, 2-3 जब सीजन वाला था, सीजन अभी 14 है ना कुछ 13 का ये, तो भाई ये क्राउन विराउन पे थे तो ये अच्छे बंदे थे। मैंने बोला कि अब भले अच्छे बंदे जो भी इनका टायर, लेकिन अब मारेंगे सिर्फ पेलना है इनको,
तो यहाँ पर अब मैंने मारना स्टार्ट कर दिया और भाई बहुत मतलब गुस्सा चढ़ गया था ना, तो अब पेलना ही है। अब एआर मैंने अपनी, मैंने आपको सबको पता है कि मैं यूट्यूब पे भी एआर मेरा गेम प्ले बहुत कम होता है, ज़्यादा मैं उसका ही डालता हूँ मतलब रूम में स्नाइपर। अब मैंने एआर पे अपना काफ़ी मोबाइल पे अच्छा कर लिया था, एआर बहुत अच्छा कर लिया था, तो मैंने एआर अब मारना स्टार्ट करा। अब एआर में मेरा ये समझो जिस दिन मेरा गेम बहुत अच्छा होना तो इनके साथ ही मेरा पहला रूम लगा है। तो एआर में मतलब यार आधा घंटा ट्रेनिंग रूम और फिर टीडीएम तो मैं रगड़ रगड़ के खेलता था। भाई जब इसने नेट छोड़ाया ना तो भाई मतलब फुल हट के चार हुई थी कि भाई अब इसको नेट से, अब मेरे को भी कहीं ना कहीं नेट फेंकना है या इसको पेलना है। तो वहाँ पर तो नेट हमारा लगा नहीं, हमने ये देखें यहाँ पर गया। अब मेरी मूवमेंट मैंने बहुत तेज़ करी थी लेकिन अब मैं आईपैड पे शिफ्ट हो गया वापस, तो मोबाइल पे मैंने कम मैंने, क्योंकि आईपैड की यार चार्जिंग बहुत बेस्ट है मतलब बेस्ट, और 7th जनरेशन और अच्छा चल रहा है मेरे पास। तो यार इसने अभी बुजदिल वाली हरकत करी, पीछे से आके मार के चले गए। देखिए यहाँ पर जो 13-12 चल रहे ना, तो उसूलन आप मैंने से एक किल आगे नहीं होना चाहिए, उसूलन मैंने से 5 से 6 किल 7 किल आगे था, लेकिन ये लोग ने वही जो अपनी ये लोग ने हरकत करी थी, मुझे गन से मार रहे थे, M24 में था, तो भाई तब भी मैं लड़ूंगा। मतलब भाई एक तो रूम पे रूम इनवाइट कर रहा है, मैंने रूम इनके साथ खेला, ऊपर से मैं चलो गन होता तो भाई एक ही बार मार ले तो पता चल जाता ना, वो पहले M24 से लड़ने लगा, अचानक से गन पे आ गए जब इनकी फट के चार हो गई। तो यहाँ पर अभी भी देखे मैं 2 किल इनसे आगे हूँ। तो मेरी कोशिश ये थी यार कि मैं रूम जीतूँ, क्योंकि ये टसल वाला मैच हो गया था कि मतलब होता ना बचपना बच्चों वाली हरकतें करना, ये जो कर रहे थे लोग बचपन। तो यार अब मेरी मूवमेंट कैसी हुई तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब तो मोबाइल में मैंने छोड़ दिया, कम कर दिया खेलना। भाई उजी ले आया भाई, मतलब उसकी फटके चार हुई, उजी ले आया अब हमारे सामने उजी। अब उजी अच्छी गेम है, अच्छी गेम क्या मतलब अच्छी गन है क्लोज रेंज के लिए, लेकिन अगर आप 2v1 खेल लो तो आपके लिए उजी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप 2 बंदों के सामने उजी इतनी जल्दी आपको, अगर आप एक पे भी अपनी एमओ खाली करते हो तो उजी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये लोग आगे पीछे देखो नूब की तरह, एक उस साइड पे तो एक उस साइड पे, मतलब मैं पूरा फंस गया था। अब मैंने सोचा कि नेट करता हूं, तो बच गया नेट से, लेकिन डैमेज ज़रूर पड़ा है, लेकिन उसने मुझे मार दिया। अब यहाँ पर स्कोर बराबर हो गया, मुझे थोड़ा ये हो रहा था यार कि एक किल से भी हारूंगा ना तो मुझे अफसोस होगा कि हारा क्यों, मेरे को हारना नहीं है भाई। तो बेचारा इतनी सस्ती इसने मूवमेंट, मतलब इसने जितनी भी कोशिश कर ली मूवमेंट की, लेकिन मैंने मार दिया। हालांकि छुप के खेल रहे हैं, बहुत कैंपिंग कर रहे हैं, अब सोच करनी मेरे को चाहिए कैंपिंग, लेकिन करिए लोग रहे कैंपिंग। तो यहाँ पर वापस मैं 2 किल आगे ले आया मैच, और वापस 1 किल, मतलब अभी मैं जीत ही रहा हूँ, मुझे मतलब खुशी है। अभी एक और बार मार दिया तो इक्वल हो जाएंगे भाई, तो मैंने सोचा है कि मैच टाई भी नहीं होना चाहिए, इक्वल किल नहीं तो आप आगे सीन चेक करें क्या होता है। सही है यार। और एक और बात यार, मतलब यार एक होते हैं कि अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, मैं अपने खुद को ये नहीं बोलता कि मैं बहुत प्रो हूँ, भाई एवरेज प्लेयर हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने मुंह से कभी भी खुद की तारीफ करनी नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचने लग गए जैसे स्टार एनिमस में बोला था वक्कार चक्कर के शो में, अगर आप ये बोलने लग गए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रो हो, हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर हूँ, अच्छा प्लेयर हूँ, तो भाई आपका मतलब जितना आप सीखते हो, जितना मैं भाई खुद मैं सच बोल रहा हूँ, आप कसम खाने के लिए तैयार हो जाऊँगा कि मैं दिन में बहुत TDM खेलता हूँ, बहुत मूवमेंट अच्छी करने का सोचता रहता हूँ। तो भाई स्टार एनिमस ने भी जो ये मेरा एक तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लड़का लगता है, इसकी बातें बड़ी अच्छी हैं, उसका गेम भी अच्छा है, तो बोलते हैं कभी भी भाई अपने मुंह से खुद की तारीफ मतलब नहीं करनी चाहिए, वरना आप फिर आप ये बोलोगे कि इस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ तो भाई मैं अब इतना वो नहीं करूँ, मतलब आप फिर सीखोगे कम, ये बात है सारी। तो बस अब गेम प्ले इन्जॉय करें। तो भाई अब यहाँ पर आप सीन देखें तो मतलब बंदे अभी कितना चल 1921 चल रहा है कुछ। यार अब भाई अगर आप देखो गेम में हार जीत होती है, सबको पता है, अगर आपका टसल वाला मैच है और टसल वाला भी चले छोड़, अगर वो बंदा आगे से मतलब जो हरकत पहले हो रही थी मेरे साथ M24 वर्सेस M249 ला रहा है ये वो M24 के साथ,
तो उसमें जीतना आपका लाजमी है यार। और यार सच्ची बताओ, ये रिकॉर्डिंग आप समझते ना एडिटिंग आसान है भाई के, एक एडिट उठा के करना है। हाँ माना कि आजकल मैं अपनी वाली वीडियो में कलर वलर नहीं डाला यार, क्योंकि अब मेरे को मतलब कलर कब अच्छा लगता है एंगल टाइप पे, तो मैंने ये वीडियो मुझे जल्दी पोस्ट करनी थी क्योंकि भाई अब लेट वीडियो नहीं करनी है। तो यार हाँ, आपको पता है कितने टेक लेने पड़ते हैं वॉइस ओवर में, कभी घर के खाने की पकने की टक 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 सालन पे नहीं करते घुमाने का, उसकी आवाज़ आ जाती है। तो यार ऐसे बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पर आपने स्कोर देख लिया 22-24, तो 22-24 यहाँ पर स्कोर चल रहा है, तो हम इनको क्या हो गया 25-22। और भाई टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है कि भाई ख़त्म। तो भाई यहाँ पर हम 3 किल से जीत गए, और भाई 3 किल से नहीं, इनसे हम जीतने वाले थे 7-8 किल से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीन हो गया। तो यार बस आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो। हाँ और भाई एक और बात, पता है लॉबी में जा के इसने क्या बोला लेजेंड फॉर एवर ने, कि मैं लेजेंड का क्लैन का हूँ यार। तो ये लोग ना मतलब यार क्लैन का नाम ख़राब करते हैं भाई, बोले लेजेंड का क्लैन का हूँ, मतलब बहाने एक से एक होते हैं कि हम तो ऐसे ही। मैंने फिर उसको जलील करा ना, क्योंकि मेरी हट्टी थी, मैंने उनको बोला कि भाई तुम तो एक नंबर के चीटर हो और तुम लोग खेलना आता नहीं है, तुमने आके मुझे वो M24 लड़ रहे हैं, तुमने इतनी बार मेरे को 3 बार M249 से मार दिया M24 के सामने, और तुम मुझे पेन से मार रहे हो एक को एक, वैसे ही आप लड़ रहे हो M24 वाले से, तीसरा आके आपको दूसरा आके पेन से मार नहीं करे तो आप मरोगे। पेन एक अच्छी खासी पावर है उसकी भी। तो बोल रहे हैं मैं लेजेंड के क्लैन से, मैंने भाई लेजेंड फॉर एवर रखा है नाम, तो भाई क्या तू लेजेंड हर मतलब क्लैन का नाम ऐसे ही लोग बर्बाद करते हैं, मतलब यार वो इतना अच्छा क्लैन है उसका नाम ख़राब करने के लिए ये बंदा आए हुए। तो भाई वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।